नमस्कार दोस्तों, पीयूष मामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस पीयूष चैनल से ये मेरा थर्ड वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हम बच्चों के एक प्रॉब्लम और उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या कि जब पीहू 2 मंथ की थी तो उसकी नींद बहुत जल्दी जल्दी टूटती थी। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, जो कि मैंने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस किया कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो वो लोग साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, और जिसकी वजह से ऑफकोर्स उनके ग्रोथ पर भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो पीहू के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि उसको नींद आने के तुरंत बाद, मतलब नींद आने के बाद टूटती थी उसकी, बार बार नींद टूटती थी। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मैंने अगर 10 बजे सुलाया है तो हो सकता है 10 मिनट बाद ही उसकी नींद टूट जाए, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती थी। क्योंकि बच्चों की जब नींद कच्ची नींद टूटती है तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है, और फिर उसको दोबारा सुलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। क्योंकि इमीडिएट जैसे ही वो जागती थी तो उसका दिमाग एक्टिव हो जाता था, और एक्टिव दिमाग होते ही उसका दिमाग खेल की तरफ चला जाता था। तो उसको वापस नींद में लेकर आना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने यही सोचा कि जो पहले के टाइम में लेडीज़ लोग थे तो वो कैसे बच्चों को सुलाते थे, क्योंकि आइडिया मैंने भी सोचा क्यों ना मैं घर पे ही इस तरह का आइडिया इम्प्लीमेंट करूँ, और शायद इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। क्योंकि पहला बेनिफिट ये होगा कि आप जो नॉर्मल हम स्विंग बाहर से मार्केट से लेकर के आते हैं वो अप टू 6 मंथ तक बच्चे उसमें झूलते हैं, और उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो झूले से बाहर आने लगते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा क्यों ना, और फिर उनकी मतलब बच्चों की जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है तो वो उस झूले में फिट भी नहीं आते हैं, तो कुछ ऐसा कपड़े का झूला होगा तो वो आराम से अप टू 1 ईयर तक वो उसमें सो सकते हैं। और बिलीव मी कि मैंने अभी जो कपड़े का झूला पीहू के लिए यूज़ कर रही हूँ उसमें पीहू अभी 1 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, तो वो अभी भी आराम से उसमें लेटती है और आराम से एक साउंड स्लीप वो लेती है। और इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि वो कपड़े का झूला मैंने कैसे बनाया, और कैसे आप अपने घर में भी अवेलेबल जो भी चीज़ें हैं उससे बना सकते हैं। और उसको बनाने में ट्रस्ट मी कुछ भी कॉस्ट नहीं आया है, क्योंकि मैंने जो घर में ही जो एक बेडशीट रखी हुई थी उसी को यूज़ करके बनाया है। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि वो कपड़े का झूला मैंने कैसे बनाया है। एंड यस, सो इस सीरीज़ में ये मेरा थर्ड वीडियो है। तो गाइज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी इससे बेनिफिट हो सके। अगर थैंक यू सो मच। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि उस झूले को मैंने कैसे बनाया है, और आप भी फटाफट से अपने घर में उस झूले को बना लीजिएगा और अपने बच्चे को एक साउंड स्लीप दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये है होममेड स्विंग। इसके 3 पार्ट है। इसको मैंने एक बेडशीट यूज़ करी है, और 2 साइड में प्लाईवुड पीसेस हैं, और 2 D-हुक यूज़ करे हुए हैं। उसके अलावा मैंने कन्वीनियंस के लिए इसमें 8 शेप हुक भी यूज़ किया है, जिससे कि मैं इसको इजीली कहीं पे भी ले जा सकती हूँ, इसको रिमूव कर सकती हूँ साइड से, बिकॉज ये पैसेज भी है, तो जब भी हूँ इसमें नहीं लेटी होती है तो मैं इसको रिमूव करके एक साइड कर देती हूँ। अब इसे थोड़ा पास से देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अपना डी साइज़ हुक, इस तरह का आता है। ये डी साइज़ हुक 2 पार्ट में आता है, अगर आप देखें तो ये एक पार्ट है पूरा, और उसके अलावा ये एक दूसरा पार्ट है जिसमें कि एक स्क्रू होता है, तो वो स्क्रू इसके अंदर चला जाता है, और उसके बाद फिर वो स्क्रू अंदर दीवार पे जाके ओपन हो जाता है। फिर ये आता है अपना 8 साइज़ हुक, जो कि आप इसको यहाँ से ईजिली रिमूव कर सकते हैं, और फिर आप एक साइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए यूज़ किया है। उसके बाद आते हैं, ये मैंने 2 प्लाईवुड यूज़ किए हैं, ये एक 1 साइड है एंड दिस इज़ दी अदर साइड। अगर आप प्लाईवुड में देखें तो मैंने ये काफ़ी होल कराए हुए हैं, जिससे कि इजीली यहाँ से आपका ये जो बेडशीट का छोर है वो यहाँ से निकल जाएगा, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे उसको नॉट लगा सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी डेप्थ है, जिससे कि बच्चे का जग अगर वो सोया हुआ है और अचानक जग जाता है तो वो निकलने का भी उसको डर नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का डर नहीं रहेगा। और उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक और उसके ऊपर एक गद्दी बिछाई हुई है, तो अगर इन केस ये गीला हो जाता है तो आपका पूरा झूला गीला नहीं होगा, आपको जस्ट ये गद्दी को निकाल करके धुल देना है।
और इसके एक्चुअली दोस्तों दो तीन बेनिफिट मुझे नज़र आए। एक तो ये कि इसमें बच्चा आराम से सोता रहता है, और अगर बच्चा जग रहा है तो आप फिर से उसे स्विंग कर सकते हैं और फिर उसे सुला सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि मच्छरों का डर, तो मच्छरों से ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चुन्नी यूज़ करती हूँ और मैं वो पूरी चुन्नी जो है वो उस पूरे झूले पर आराम से प्लेस कर देती हूँ। तो ये क्या है कि आपका पूरा झूला सेफ हो गया और अभी मच्छर जाने का कहीं से कोई रास्ता नहीं है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट मुझे स्विंग का लगा और मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा। और तीसरी चीज़ है कि आप ये क्लोथ का है तो आप इजीली इसको भी वॉश कर सकते हैं, तो ये हाइजीन भी मेंटेन रहेगी।